बच्चों अब हम करने वाले हैं 34th क्वेश्चन और ये बोल रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। और देखो यहाँ पे मैंने एक पूरा ट्राइंगल बना लिया, ठीक है जी, जिसके वर्टेक्स ए बी और सी है, यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिख लिए। मुझे निकालना है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड होता है ये बीच वाला, ये। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ का एक्स वन, इसका एक्स टू, इसका एक्स थ्री, ठीक है, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। फिर अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है इस सेंट्रोइड का, तो भाई वाई वन वाई टू वाई थ्री डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाता है हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला। बड़ा इजी होता है ना, कोई सा भी ले सकते हो आप, किसी को भी एक्स वन वाई वन, किसी को भी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं सेंट्रोइड का इसका कोऑर्डिनेट निकालता हूँ एक्स कॉमा वाई, तो जो सेंट्रोइड का मेरा कोऑर्डिनेट आने वाला है वो कितना हो जाएगा, देखिए एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई 3 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई 3। बड़ा इजी है, देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो एक्स वन के कोऑर्डिनेट मैं लिखने वाला हूँ जो कि है देखिए यहाँ पे माइनस वन प्लस यहाँ पे ये हो गया मेरा 5, फिर प्लस ये हो गया मेरा यहाँ पे 1, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा, अब वाई वन के ले लेते हैं, देखो अब 3 1 एंड माइनस 1, तो 3 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो देखिए मेरे कोऑर्डिनेट्स कितने इजीली आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा भाई 5 अपॉन 3 और ये हो जाएगा भाई 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा देखो 5 अपॉन 3 और ये हो जाएगा कॉमा 1। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, सेंट्रोइड के, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 कॉमा 1। तो सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है सीधे सीधे, घबराने की जरूरत नहीं। तो हमने 34th भी कर लिया काफी इजीली, अब हम 35th में आते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 35th क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे आपको दो वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल की और एक सेंट्रोइड भी गिवन है आपको, और आपको उसका थर्ड साइड निकालना। बड़ा नकली क्वेश्चन है, बड़ा नकली क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लिख लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स ये लिख लिए और सी मुझे निकालना है जिसको मैंने एक्स कॉमा वाई ले लिया। अब आपको सेंट्रोइड पता है, देखिए सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं है जो कि 2,1 है, और अगर आपको पता होगा इससे पहले हमने किया है कि सेंट्रोइड का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाने वाला है, देखो 2,1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री होल अपॉन 3 कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन 3। तो देखिए ये मेरे सेंट्रोइड आ गया, सेंट्रोइड तो मुझे पहले से गिवन है देखो 2,1। अब यहाँ से देखिए मैं एक्स वन ये वाला, एक्स टू और एक्स थ्री ले लूंगा और देखिए यहाँ से मेरा एक्स थ्री भी आ जाएगा आराम से। तो देखो कितना इजी हो जाएगा मेरे लिए, है ना, 2 इक्वल्स टू एक्स वन है मेरा माइनस 7 प्लस एक्स टू है मेरा 3 प्लस एक्स थ्री है मेरा एक्स होल अपॉन 3, राइट, ओके। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं, तो 1 इक्वल्स टू देखो वाई वन है मेरा 4, y2 है मेरा माइनस 5 और y3 है मेरा y। देखो आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई सा भी कोऑर्डिनेट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी, है ना। तो देखिए यहाँ से अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और x और y के कोऑर्डिनेट्स भी मिलने इजीली होने वाले हैं। तो देखिए ये 3 मैं इधर ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा 3 2 6 इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है, इन दोनों को मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा माइनस 4 ई प्लस एक्स। इस माइनस 4 को क्या करता हूँ मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 विच इज 10, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पे 10। यहाँ से y की निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 5 प्लस y, राइट, ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस y। इस माइनस वन को मैं लेफ्ट हैंड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4, तो y आ जाएगा मेरे पे 4। तो देखिए x और y के कोऑर्डिनेट्स मेरे पे आ चुके हैं जो कि क्या है 10,4, राइट, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 10,4, तो बड़ा इजी हो गया है। तो चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं 36th क्वेश्चन
और यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बना लिया है। देखिए ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ए बी एंड सी, और आपको इसका सेंट्रोइड भी गिवन है विच इज 1, -1। आपको क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है। सीधे सीधे आप सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1, -1 इक्वल्स टू x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x x की वैल्यू लेता हूँ, y y की वैल्यू लेता हूँ और मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो देखिए मैं यहाँ पे अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए एक्स की वैल्यू आने वाली है, तो ये हो जाएगा मेरे पे 1 इक्वल्स टू, ठीक है 1 इक्वल्स टू, एक्स वन क्या है मेरे पे वो मैं देख लेता हूँ, एक्स वन है मेरे पे -5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -5 + p + 6/3, ठीक है। यहाँ पे मैं वाई वन भी लिख लेता हूँ, वाई के भी लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू, एक ही बारे में लिख लेता हूँ ना सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 - 1, देखे 3, और यहाँ पे ये देखे -1 यहाँ पे और यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे +q/3। तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है इधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 3 = -5 + p + 6, तो ये हो जाएगा कितना 3 = p + 1, राइट। ये प्लस वन इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो जो पी की वैल्यू आ गई वो आ गई मेरे पे 2, राइट। और अब क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा -3 = 3 - 1 + q। अब ये 3 में से एक माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 - 3 = 2 + q, राइट। ये प्लस कट हुए इधर आके फिर ये माइनस का हो जाएगा, तो -3 - 2 = q, तो q आ गया मेरे पे बच्चों कितना -5। तो देखिए q भी आ गया, p भी आ गया और हमने काफी इजीली ये सॉल्व भी कर लिया है ना। तो देखो हमारी ये एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, अब आगे प्रोसीड करेंगे।